राधे राधे। रागानुगा भक्ति में 10 प्रमुख शर्तें हैं। अब आप 8वीं शर्त सुनिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध्य च। और भागवत में भी कहा गया है, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। कि सर्वत्र सर्वदा निरंतर भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ये 9वीं शर्त जो है निरंतरता, यानी कहीं ब्रेक न लगे, हमारा निरंतर स्मरण बना रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि मन को शुद्ध करना है। मन एक गंदा कपड़ा सा है, तो गंदे कपड़े को अगर साफ करना है, धोना है, तो शुद्ध पानी में धो। शुद्ध पानी भगवान, उनके नाम रूप लीला गुण धाम और जन है। जितना समय हम शुद्ध पानी में डुबाते हैं उतना शुद्ध होता जाएगा। अगर शुद्ध पानी में से हमने निकाल के गंदगी में डुबो दिया है तो फिर दोबारा गंदा हो गया। अब वहां से निकाल के शुद्ध पानी लाओ, थोड़ा सा साफ हुआ, फिर गंदगी में डुबो दिया। ऐसा है, अगर हम कुछ देर के लिए भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद संसारी कामनाएं आ गई, संसार का स्मरण हो रहा है, राग द्वेष का, तब मन थोड़ा शुद्ध हो गया, फिर अशुद्ध हो गया। हम कैसे उन्नति कर सकते हैं? हमको ऐसे लगातार स्मरण करना चाहिए जिससे लगातार उन्नति भी होती जाएगी। इसीलिए 9वीं शर्त बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी उपाय से भगवान का निरंतर स्मरण करें। तो इसका क्रियात्मक स्वरूप क्या है, मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। जय श्री राधे।